किताबों से मुगलों के इतिहास हटाने का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला किताबों से मुगलों का इतिहास हटाए जाने को लेकर के नाराज दिखे, बिफरे बीजेपी पर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे और औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है, किस चीज को छुपाएंगे? ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तारीख बदलेगी नहीं, तारीख है और तारीख रहेगी। तो फारूक अब्दुल्ला को सुना आपने, अब पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि मामला क्या है।